2024 एक ऐसा साल होने वाला है जो ग्लोबली डिसरप्शन ला सकता है, क्योंकि इस साल दुनिया भर की 40 देशों में इलेक्शंस होने वाले हैं एंड ये इलेक्शंस इंडिया एंड पूरी दुनिया की फेट चेंज कर सकते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये कंट्रीज जियोपॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंडिया, USA, यूरोपियन यूनियन, रशिया एंड ताइवान एंड बाकी की कंट्रीज के नाम आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन कंट्रीज के इलेक्शंस इसलिए भी ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि ये वर्ल्ड के बड़े मुद्दे जैसे कि इसराइल हमास वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, फ्यूल प्राइसेस, क्लाइमेट चेंज, सेमीकंडक्टर्स, इन सारी पॉलिसीज को भी इम्पैक्ट करते हैं एंड इनडायरेक्टली ये पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया को भी इम्पैक्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इलेक्शन है जो पर्टिकुलरली इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये इलेक्शंस इंडिया के लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान है जिसके इकोनॉमिकल एंड इंटरनल मैटर्स बहुत ख़राब चल रहे हैं, दूसरी तरफ श्रीलंका है जो अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने का ट्राई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये इंडिया की नेबर है, इनका जियोपॉलिटिकल एंड इन्फ्लुएंस इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अगर इन देशों में एंटी इंडिया गवर्नमेंट आती है तो ये एक मौका हो सकता है चाइना एंड दूसरे पावरफुल कंट्रीज के लिए इंडिया को कमज़ोर करने का। फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स की प्रीवियस गवर्नमेंट प्रो इंडिया थी एंड वो इंडियन गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज थी, लेकिन जो नई गवर्नमेंट बनी है जिसके प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजू है वो चाइना की पपेट है। सो बेसिकली ही इज अगेंस्ट इंडिया एंड वो एक के बाद एक इंडिया के अगेंस्ट में डिसीजन ले रहे हैं। पहले उन्होंने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाने का डिसीजन लिया एंड उसके बाद वो एक कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करना चाहते एंड ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस तरह की पॉलिसी से चाइना अपनी पकड़ इस रीजन में स्ट्रॉन्ग कर सकता है एंड हमारी इतने दिन की इन्वेस्टमेंट एक तरह से कोल्ड हो जाएगी। तो आगे इस वीडियो में हम मेजर कंट्रीज की इलेक्शन एंड अपने नेबर्स की इलेक्शंस पे बात करेंगे और हम इसको 3 एंगल्स से देखेंगे। इसमें पहला है कंट्रीज, उनकी पार्टीज एंड उनकी कैंडिडेट्स के बारे में। सेकंड इज उन कंट्रीज का करेंट स्टैंड इंडिया को लेकर कैसा है। थर्ड इज जो उनके पोटेंशियल लीडर्स हैं उनका इंडिया को लेकर जियोपॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टैंड कैसा रहने वाला है। मैं इस वीडियो में कंट्री वाइज टाइम स्टैम्प भी लगा दूंगी, जिससे कि अगर आप किसी कंट्री में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे स्किप कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप कंक्लूजन पार्ट को जरूर सुने। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ग्लोबल सुपर पावर USA। USA के इलेक्शंस नॉट ओनली USA बट ग्लोबली एंड इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। USA एक वर्ल्ड पावर है, लेकिन आजकल इनका डोमिनेंस थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस की डोमिनेंस हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अब आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि USA का सुपर पावर बने रहना ज़्यादा अच्छा है या फिर चाइना का डोमिनेंस। तो चलिए अब बात करते हैं USA के इलेक्शन की। USA में दो पार्टीज हैं, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार है फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है करेंट प्रेसिडेंट जो बाइडन। तो चलिए सबसे पहले जो बाइडन की बात करते हैं, जो करेंटली 81 ईयर्स के हैं एंड अगर इस बार वो इलेक्शन जीतते हैं तो जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तब वो ऑलरेडी 85 प्लस हो चुके हों। अगर हम उनकी अप्रूवल रेटिंग की बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक वो 33% तक गिर गई है, जो एक बड़ा ड्रॉप है एंड इस ड्रॉप का मेन रीज़न उनके कुछ डिसीजन एंड कुछ इंसिडेंट्स हैं, जैसे वो कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाती हैं या फिर भाषण के दौरान कुछ का कुछ बोल देते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको इस बारे में हजारों रील्स मिल जाएगी। I'll lead an effective strategy to mobilize true international effort to pressure. चलिए अब बात करते हैं ट्रंप की। उन्होंने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह प्रेजेंट किया गया है, लेकिन उनके ऊपर कई बार संगीन आरोप भी लगे हैं, जैसे रेशियल डिवीजन एंड टॉक्सिक कल्चर को फैलाने का। लेकिन जब ट्रंप सत्ता में थे तो इंडिया ने US के साथ जियोपॉलिटिकली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर किया है। ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए हाउडी मोदी इवेंट किया था। जनरली हिस्ट्री शोज कि जब भी रिपब्लिक पार्टी पावर में आती है तो उनका जियोपॉलिटिकली अलाइनमेंट इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन उनकी इंटरनल पॉलिसीज की वजह से इंडियन और दूसरी कंट्री के लोगों को वीजा एंड इमिग्रेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये चीज़ बेसिकली हमारे विजन से मैच नहीं खाती, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरेन कंट्रीज में वीज़ा मिले एंड वो वहाँ पर जाकर कमा पाएँ, उसी के साथ हमारी सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज़ हो।
ऑन द अदर हैंड जब डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में आती है तो उनकी पॉलिसी वीज़ा एंड इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी लीनियंट होती है, लेकिन उनके साथ हमारा जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट उतना अच्छा नहीं होता। मुझे लगता है कि यूएस में अब किसी नए यंग लीडर को लेकर आना चाहिए जिसका विजन काफ़ी क्लियर हो। अगर ट्रंप वापस पावर में आते हैं तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप को एक नया शेप मिल सकता है, लेकिन उसी के साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर। बाइडन के अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी में मैरियन विलियमसन है जो एक ऑथर है। ये 72 इयर्स की हैं, ये फार लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी रखती है एंड ये डेमोक्रेटिक पार्टी में सेकंड पॉपुलर चॉइस है। उनके व्यूज जियोपॉलिटिकली इंडिया के फेवर में कम ही रहते हैं, तो मे बी अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो शी इज नॉट अ गुड चॉइस। सिमिलरली रिपब्लिक पार्टी में ट्रंप के अलावा निकी हेली, विवेक रामास्वामी एंड रॉनी डीसेंटिस भी हैं। निकी हेली एंड विवेक रामास्वामी इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इनकी करंट पोजीशन स्लाइटली प्रो इंडियन हो सकती है। रॉन डीसेंटिस करंट गवर्नर ऑफ फ्लोरिडा हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग राइट विंग सपोर्टर हैं। ये बेसिकली इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर इश्यूज होते हैं उसको लेकर, लेकिन इनका काफ़ी एंटी इमिग्रेशन एंड एंटी LGBTQ स्टैंस भी है। जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट USA, तो अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की जो हमारा नेबर है। बांग्लादेश की स्टेबिलिटी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की मल्टीपल स्टेट से बांग्लादेश की बॉर्डर्स रहते हैं, जैसे कि मिजोरम, असम एंड वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश इंडिया सब कॉन्टिनेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड अगर हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन को देखें तो करेंट सिनेरियो में ये काफ़ी अच्छे हैं। बांग्लादेश में तीन मेजर पार्टी हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, बांग्लादेश आवामी लीग एंड जातीय पार्टी। बांग्लादेश आवामी लीग की चेयरपर्सन शेख हसीना है, जो 2009 से प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इनके टाइम में इंडिया एंड बांग्लादेश की रिलेशंस जनरली पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव रही हैं और हमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी देखने मिली है। वहीं बाकी की दो पार्टीज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड जातीय पार्टी की लीडर बेगम खालिदा जिया एंड मोहम्मद इरशाद हैं। इन दोनों के स्टैंस कभी कभी एंटी इंडिया एंड प्रो पाकिस्तान रहे हैं। इनके दौर में डिक्टेटरशिप, राइवलरी, रेडिकल इस्लाम एंड डिप्रेशन जैसी चीजें देखने मिली हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि अगर हम बांग्लादेश के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं तो इस सिचुएशन में शेख हसीना का प्राइम मिनिस्टर रहना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि USA नहीं चाहता कि शेख हसीना बांग्लादेश में पावर में रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। सिंपल सा रीजन है कि USA नहीं चाहता कि हमारे रिलेशंस हमारे नेबर्स के साथ अच्छे रहें। USA wants कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए पावरफुल बने, लेकिन हम इतना भी पावरफुल ना बन जाए कि कभी USA को ही टक्कर देने लगे। फॉर इंस्टेंस, आपने रिसेंटली कई मीडिया हाउसेस में सुना होगा कि USA बोल रहा है कि शेख हसीना डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस नहीं जीत रही हैं और USA बांग्लादेश पे प्रेशर बिल्ड करने का ट्राई कर रहा है। तो अभी हमने बात की बांग्लादेश की, चलिए अब जानते हैं ताइवान के बारे में। ताइवान एंड चाइना का इशू काफ़ी स्पॉटलाइट में है एंड आई गेस मैक्सिमम लोग इस इशू के बारे में जानते होंगे। ताइवान में मल्टीपल पार्टीज हैं, लेकिन हम इस वीडियो में मेजर टू पार्टीज के बारे में बात करेंगे। इसमें पहली है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP। ये बेसिकली प्रोग्रेसिवनेस, ताइवान नेशनलिज्म एंड सोशल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। DPP करेंटली टोटल 113 सीट्स में से 62 सीट्स को होल्ड करती है एंड इनकी लीडर है प्रेसिडेंट ताई इन वेन। इस पार्टी का स्टैंड एंटी चाइना है एंड ये चाइना की किसी भी इन्फ्लुएंस से दूर रहना चाहती है। तो बेसिकली दे वांट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जिसमें चाइना का किसी भी तरह से दखल ना हो। सेकेंड पार्टी है कोमिंटांग, जो कि पैन ब्लू कोलिशन है जो कंजर्वेटिज्म एंड चाइनीज नेशनलिज्म को सपोर्ट करता है। इस पार्टी के लीडर फॉर्मर प्रीमियर विलियम लाई हैं। इस पार्टी का स्टैंड प्रो चाइना है एंड ये चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोग्रेस करना चाहती है। अगर इस इलेक्शन में KMT पावर में आती है तो चाइना को USA के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री मिल जाएगी, क्योंकि चाइना आसानी से अपना इन्फ्लुएंस ताइवान में एक्सटेंड कर पाएगा। लेकिन इस इवेंट का असर हम पर भी पड़ेगा, क्योंकि इससे चाइना को जो दूसरे बॉर्डर डिस्प्यूट है जैसे कि इंडिया का अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इनका जापान के संग भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो उसमें ये अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाएंगे एंड ये बेसिकली इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने एक और पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में।
पाकिस्तान में भी इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं। वैसे तो हम सबको पता ही है कि चाहे जो भी जीते, मेन पावर तो आर्मी के पास ही रहती है, लेकिन इलेक्शन से ये पता चलेगा कि आर्मी का रुख किस तरफ है। हाल ही में पाकिस्तान को भी टेरर एक्टिविटीज से जूझना पड़ा है, एंड क्योंकि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान में वापस आ गए हैं, अगर हम इसके पिछले टर्म्स को भी देखें तो इनके टर्म में इंडिया के साथ रिलेशंस को बेटर करने की कोशिश की गई थी, और हो सकता है कि अगर नवाज शरीफ फिर से पावर में आए तो इस तरह की कोशिश फिर से की जाए। वैसे नवाज शरीफ से पाकिस्तान की जनता ये उम्मीद करेगी कि वो इकोनॉमिक रिकवरी करेंगे उनकी कंट्री में। बाकी जो नेक्स्ट पावरफुल पार्टी है पाकिस्तान में वो इमरान खान की है, जो कि अभी जेल में है, इस वजह से ये पार्टी काफी कमजोर हो गई है। एंड वी डोंट नो कि इमरान खान कितने और दिन जेल में रहेंगे। Now let's talk about Russia's election. वैसे तो next year Russia में भी election है, लेकिन हम कह सकते हैं कि फिर से पुतिन ही पावर में आएंगे। इसका मतलब है कि पॉलिसी जो रशिया की है उनमें कोई भी चेंज देखने नहीं मिलेगा, लेकिन रशिया चाहेगा कि USA में एक कमजोर गवर्नमेंट आए, और उसी समय रशिया भी अपनी जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसे स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करेगा, एंड इसकी स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है मिडिल ईस्ट से। तो चलिए अब बात करते हैं अपने भारत की। भारत में इस समय दो मेन कंटेंडर हैं, पहला है NDA एंड दूसरा है INDIE। NDA अभी रूलिंग पार्टी है, इसके लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। इनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी बहुत हाई है। मॉर्निंग कंसर्ट ने नवंबर एंड में एक सर्वे किया था जिसके हिसाब से 78% लोगों ने इनकी परफॉर्मेंस को अप्रूव किया है। NDA के पास और भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे कि इनकी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। लेकिन कुछ लोग इनके कुछ डिसीजन से सहमत नहीं हैं, जैसे कि GST, नोटबंदी एंड एग्रीकल्चर बिल जो आया था उसको लेकर कुछ लोगों में अभी भी गुस्सा है। अगर हम हाल के इलेक्शन की बात करें तो NDA ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में जीत हासिल की है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग पोजिशन को शो करता है। उनकी अपोजिशन में INDIE है, वो मेजर नेशनल पार्टी कांग्रेस एंड जो अलग अलग रीजनल पार्टीज है उनका अलायंस है। इस अलायंस का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि अगर इलेक्शन के टाइम एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट रहता है तो इनकी पार्टी को बहुत बड़ा वोट बैंक मिल सकता है। इसका मेन रीजन है क्योंकि जो वोट्स है वो रीजनल पार्टीज में डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन इस अलायंस के सामने काफी सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनके पास कोई भी PM फेस नहीं है, एंड इस वजह से पब्लिक को इनके स्टैंड एंड विजन को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। वहीं इतने बड़े अलायंस में एक सहमति बनाना एक मेजर चैलेंज है। अगर इनको अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करनी है तो इनको एक PM फेस के साथ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड विजन के साथ पब्लिक के सामने आना होगा। वैसे रिसेंटली हमें इस अलायंस की जो मेजर पार्टी है कांग्रेस, उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने मिला है, क्योंकि इन्होंने बड़ी स्टेट्स लाइक तेलंगाना एंड कर्नाटका में रिसेंटली जीत हासिल की है। टू कंक्लूड, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जो आने वाले 5-10 साल एंड लॉन्ग टर्म में पूरे वर्ल्ड का क्या जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट होगा, साथ ही इंडिया के जो एम्बिशियस हैं इकोनॉमिकल एंड जियोपॉलिटिकल उनको इंपैक्ट करेगा। जस्ट टू पुट इन अ सिंपल वर्ड, USA चाहेगा कि ताइवान में एंटी चाइना गवर्नमेंट आए, एंड यहाँ पर इंडिया भी सेम चाहता है, बट एट द सेम टाइम इंडिया का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली डिफरेंट होगा व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश। वैसे ही चाइना एंड रशिया चाहेंगे कि USA में एक वीक एंड लेस एम्बिशियस गवर्नमेंट आए जो USA के इन्फ्लुएंस को ग्लोबली कम कर पाए। वही इंडिया चाहेगा कि USA में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए जिससे कि ये गवर्नमेंट चाइना को चेक में रख सके। चाइना एंड USA भी इंडिया में एक वीक गवर्नमेंट चाहेंगे, क्योंकि USA चाहेगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो USA की हर बात माने। वही अगर हम चाइना के पर्सपेक्टिव को देखें तो वो चाहेगा कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि जो बॉर्डर इश्यूज हैं उसमें चाइना को एक लीड हासिल हो सके, जबकि रशिया चाहेगा कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए जो कि इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। फॉर एग्जांपल, जैसे जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था कि हम रशियन ऑयल को खरीदेंगे। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, जहां पर रशिया चाहेगा कि ऐसा प्रेसिडेंट आए जो कि यूरोपियन यूनियन के एक्सपेंशन के खिलाफ। वहीं इंडोनेशिया, जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री है, उसके साथ जो 40 कंट्रीज की इलेक्शन है वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेंगे। इस पूरी इक्वेशन का हिस्सा हम सब हैं, तो जब भी आप वोट देने जाए तो सोच समझ कर वोट दें। लेट मी नो अगर आपको किसी कंट्री के बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस कंट्री के ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।